तो जैसा कि आप मॉडल देख पा रहे हो कि इसका साइज 18x40, इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला सर मुझे 18x40 का मॉडल चाहिए विद कार पार्किंग। तो ये जो मॉडल मैंने बनाया है 18x40 का ही विद कार पार्किंग, अपने आपके पास अगर कार है तो उसके लिए पार्किंग के लिए भी मैंने यहाँ पर जगह बनाई है। ये मॉडल आप देख पा रहे हो कि फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा, यहाँ पर 3 स्टेज बनी है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकेंड में खासकर ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, लेकिन फर्स्ट अगर ग्राउंड की बात करें, फर्स्ट की बात करें तो फुल फैमिली आपको यहाँ पर मिलने वाली है, फुल फैमिली आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो पूरा डिटेल बताने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया स्मॉल हाउस प्लान को, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहाँ पर लगातार आपको अपडेटेड वीडियो देता रहता हूँ। अगर आपका कोई रिक्वायर्ड मॉडल है, आप चाहते हैं कि सर इतने बाई इतने का मुझे मॉडल चाहिए, कोई भी साइज हो सकता है, तो मुझे कमेंट करके मेंशन करिएगा। मैं जितना पॉसिबिलिटी हो सकता है मैं डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि कमेंट्स बहुत सारे होते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है सभी के डिजाइन करना, बट रैंडम किसी एक का मैं डिजाइन जरूर करता हूँ। तो उसी में एक का आज मॉडल हम डिस्कस करने वाले हैं 18x40, जैसा कि आप देख पा रहोगे। तो सबसे पहले इसको हमेशा के तरीके से मैं ट्रांसपेरेंट करके दिखा देता हूँ, ट्रांसपेरेंसी में और भी बेहतरीन दिखेगा। तो जैसे हम मॉडल इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं, देखिएगा ये मॉडल आपको ट्रांसपेरेंसी में ऊपर से लेकर नीचे तक दिखता है। अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो आप टॉप से ऐसा देख पा रहे होंगे, अगर साइड से देखें तो आपको ऐसा दिखने वाला है। तो चलो इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ओवरऑल क्या मॉडल है। तो जब ये ट्रांसपेरेंसी रिमूव करते हैं, मैंने यहाँ पर दोस्तों व्हाइट ही रखा है। अगर आप चाहते हैं कोई कलर करना अपने घर पे, तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी कलर यहाँ पे कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर चीज़ें व्हाइट ही रखी हैं और ये थोड़ा सा डिजाइनिंग की है। तो हर में तो सबसे पहले चलेंगे हम इसके ग्राउंड फ्लोर पर। तो जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। साइड में आसपास आपके मकान ही बने होंगे और फ्रंट पे आपका रोड होगा। तो ये मॉडल आप देख पा रहे हो, फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा। और यहाँ पर आप जैसे इंटर करते हैं अंदर, तो ये आपको सबसे पहले मिलता है कार पार्किंग के लिए स्पेस, और इस वाले कार पार्किंग स्पेस से आप इस डोर से भी अंदर जा सकते हैं, और चाहे तो यहाँ पर विंडो या डोर भी लगा सकते हैं ग्लास का, यहाँ से भी इंटर कर सकते हैं। सब दैट आप जैसे अंदर आ जाते हैं, सबसे पीछे की बात करें, एक आपको मिल जाता है बेडरूम, और उस बेडरूम के साइड में आपको मिलता है किचन, और ये आपका सबसे लास्ट में टॉयलेट है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ये टॉयलेट लेटरिन बाथरूम में लास्ट में ना रखकर, तो आपके पास एक ऑप्शन है, जो मैंने स्टेयर्स बनाई है, जीना बनाया है, इसके नीचे भी आप लेटरिन बाथरूम अपना एडजस्ट कर सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ पर बनाया नहीं है, वो आप बना सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये लेटरिन बाथरूम जो बनाया है काफ़ी अंदर है, तो आने जाने में प्रॉब्लम्स मिल सकती है, क्योंकि रूम के थ्रू होकर आपको जाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर स्टेयर्स के नीचे भी इसको डिजाइन करवा सकते हैं कम स्पेस में, ये आप पे डिपेंड करता है। और आप ये तो आपको किसी नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि आप जगह तो काफ़ी ज़्यादा फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सब कुछ एडजस्ट करना होगा। अब बात करते हैं इस रूम की, इस किचन की और इस लेटरिन बाथरूम की साइज की। तो वो सब अगर आपको जानना है तो हमारी वेबसाइट पर आपको विजिट करना पड़ेगा, जिसका नाम है स्मॉल हाउस प्लान। यहाँ पर आपको देखिएगा मॉडल मिल जाते हैं अलग अलग टाइप के विद साइज, आपको सारे साइज मिलेंगे, जो भी मैं यहाँ पर बताता हूँ वो डिस्कस करता हूँ। और अब ये आपको देखिए मिल जाता है यहाँ पर काफ़ी बड़ा स्पेस, यहाँ पर अपना डाइनिंग या कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका कार पार्किंग के लिए स्पेस हो जाता है। तो फ्रंट से मैंने ये स्टेयर्स दी हैं, आप स्टेयर्स के माध्यम से चल सकते हैं और आसानी से अपना कार पार्किंग कर सकते हैं। और ये आपका स्टेयर्स है, मतलब सीढ़ियाँ, यहाँ से आप चढ़ेंगे और ऊपर पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर मैंने एक ग्लासेस या विंडो लगा दिया है स्टेयर्स के पास, जिसमें वेंटिलेशन के लिए कोई आपकी प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो बात होगी ग्राउंड फ्लोर की, अब हम ले चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर पर। तो फर्स्ट फ्लोर आप देख पा रहे होंगे, तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है, फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा। और जैसा फर्स्ट स्टेज के माध्यम से फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, तो पीछे वाला सेम टू सेम पोर्शन, अगर आप यहाँ लेटरिन नहीं रखना चाहते, लेटरिन बाथरूम, इसको हटा दें और आप यहाँ पे पूजा घर या कुछ भी अपना एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट फ्लोर पर एक बेडरूम पीछे मिलेगा और एक बेडरूम मिलने वाला है आपको आगे, जैसा कि आप देख पा रहोगे। यहाँ पर भी मैंने वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन दिया है, विंडोज दी है, और ये बालकनी आपको मिल जाती है 2 से 2.5 फीट का, जैसा कि आप ये देख पा रहे होगे फ्रंट से। तो ये बालकनी का स्पेस है। तो ये तो बात हो गई आप हमारे फर्स्ट फ्लोर की, यहाँ पर आपको 2 बेडरूम मिलते हैं, स्टेयर्स फिर आपको जाना होगा, फ्रंट से आपको ऐसा दिखने वाला होगा। अगर हम बात करें लास्ट फ्लोर की या टॉप फ्लोर की, मतलब कि सेकेंड फ्लोर की, तो ये आपको ऐसा दिखेगा। सिर्फ मैंने स्टेयर्स के लिए डिजाइन किया है, जिसमें बरसात में पानी ना जाए उसको ढक दिया है। और ये आपका डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग का पार्ट है, और बस
लास्ट फ्लोर में कुछ खासा नहीं है और आप यहाँ पर रूम दे सकते हैं, मतलब गेट दे सकते हैं। आप ना जी देखिएगा, आप जैसे वहाँ ऊपर से आएंगे तो यहाँ पर गेट से आप निकल के अपने छत पर टहल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये पूरा मॉडल था 18x40 का जो मैंने डिस्कस किया। अगर आप चाहते हैं कोई रिक्वायर्ड मॉडल तो मुझे कमेंट करें, साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें।